हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में, एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में। और अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो आपको ये फीचर आना ही चाहिए और आप आपके एक्सेल को स्मार्टली यूज़ कर पाएंगे अगर आप ये फीचर जानते हैं तो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक एक्सेल बनाया हुआ है जहाँ पर एम्प्लॉई आई डी लिखा हुआ है और एम्प्लॉई नेम लिखा हुआ है। और मोस्टली मैं यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ कि अगर आपने एम्प्लॉई आई डी लिखा हुआ है, एम्प्लॉई नेम लिखा हुआ है, क्या होगा अगर आपको यहाँ पर उनका फ़ोटोज़ भी चाहिए, एम्प्लॉयज़ का मुझे फ़ोटोज़ भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मैन्युअली फ़ोटोज़ इंसर्ट करेंगे तो आपका जो एक्सेल का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका एक्सेल जो है वो स्लो काम करने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैं नेम के पास सर्कल कर्सर ले जाता हूँ तो देखो फ़ोटोज़ दिखते हैं मुझे। एम्प्लॉई टू यहाँ पे फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, एम्प्लॉई थ्री फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, एम्प्लॉई फोर भी फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, फाइव फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। तो कैसे किया मैंने, यहाँ पे अभी मुझे मैनुअली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे सपोज़ एम्प्लॉई थ्री का फ़ोटो दिखना है तो मैं यहाँ पे जस्ट कर्सर लेके जाऊँगा, मैं एम्प्लॉई थ्री का फ़ोटो देख लूँगा। तो ये कैसे किया मैंने, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको एक बोनस के तौर पे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाला हूँ, मैं एक्स्ट्रा शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ शीट टू ओपन कर लिया। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो हेडिंग्स हैं उनको फ्रीज़ करना है तो मोस्टली हमको व्यू में जाना होता है और यहाँ फ्रीज पेन पे क्लिक करके फ्रीज पेन क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद हम जैसे ही ऊपर नीचे करेंगे तो हमारा ये जो हेडिंग्स है वो एक जगह पर रहता है, वो फ्रीज रहता है। बट क्या होगा अगर मुझे ये सब टोटल और एवरेज भी यहाँ पे फ्रीज चाहिए, अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो मुझे सिर्फ ये बीच के जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो मैं आप देख सकते हैं मैंने शीट में करके दिखाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं आइटम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हेडिंग आ गई हैं ऊपर और ये ही सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है और अपना जो एवरेज और सब टोटल है वो ऐसे ही पड़ा है। तो ये कैसे किया है मैंने, ये भी इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप इजीली एक्सेल के शॉर्टकट सीख पाएंगे। तो मैं नया एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही कर्सर ले जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर फ़ोटो दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ एम्प्लॉई वन यहाँ नेम वन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर जो भी है एक्स्ट्रा चीज़ उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर बीच में ऐसे सर्कल ले जाने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट कमेंट आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉन्ट चेंज करने के डिटेल्स दिखेंगे। बट हमें फ़ोटो इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर पे लेके जाएंगे। जैसे ये चार कोने की तरह तीर आ जाती है, यहाँ पर आपको बॉर्डर के पास लेके जाना है। ले जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे फॉर्मेट जितनी भी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको कलर्स एंड लाइंस में आना है, यहाँ पर कलर्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद फिल इफेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट पिक्चर करना है। सेलेक्ट पिक्चर करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेव करके रखी है तो आप पिक्चर नंबर वन जो भी आपके एम्प्लॉई रहेगा उसका फ़ोटो क्लिक कर सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है और यहाँ पर आपको ओके करना है एंड ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही वन पे ले जा रहा हूँ फोटो आ जाता है। फिर नेम टू पे, यहाँ पे सपोज नेम टू पे मुझे क्लिक करना है, सेम राइट क्लिक इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें हटा देनी है, हटाने के बाद बॉर्डर पे आना है। बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे आप तो फॉर्मेट कमेंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर्स एंड लाइन्स, देन आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल इफेक्ट कर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेलेक्ट पिक्चर नंबर टू हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ओके एंड ओके। आप देख सकते हैं टू पे ऑलरेडी आ गया है। अगर आपको थ्री पे करना है तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है, थ्री पे जाना है, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करना है, आपको ये सारी चीज़ें हटा देनी है। हटाने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर्स हैं, कलर्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद फिल इफेक्ट पिक्चर्स सेलेक्ट पिक्चर, उसके बाद आपको थर्ड एम्प्लॉई का फोटो सेलेक्ट करना है एंड ओके। ये रहा थर्ड एम्प्लॉय। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
अगर मैं इम्प्लॉय वन के यहाँ पे सर्कल ले जाता हूँ तो वन का फोटो दिखता है, टू पे ले जाता हूँ टू का फोटो दिखता है, थ्री पे ले जाता हूँ तो थ्री का फोटो दिखता है। तो ऐसे आप फोटोज इंसर्ट कर सकते हैं। अब शीट टू में आते हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो शीट टू में पहले आप यहाँ पर आपके टेबल्स हैं, आपको क्या करना है, आपको आइटम्स जो यहाँ पे हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स भी मुझे दिखनी चाहिए और यहाँ पे जो सब टोटल हैं वो भी यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए। तो सिंपली मैं इसे पहले टेबल फॉर्मेट में कर लूँगा, कंट्रोल टी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे यहाँ टेबल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एरो करके मैं नॉर्मल ले लेता हूँ, नॉर्मल अपना जो फॉर्मेट रहता है वो नॉर्मल फॉर्मेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आप नॉर्मल फॉर्मेट जैसे ही लेंगे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे आइटम्स आईडी आइटम नेम ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। दैट मीन्स ये चीज़ें अब आपको दिखने वाली हैं। तो नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है, मुझे फ्रीज करना है ये सब टोटल और ये चीज़ें यहाँ पे फ्रीज करनी है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सब टोटल के जस्ट ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करने के बाद हमको व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद हमको स्प्लिट कर देना है सिंपली। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये स्प्लिट हो जाता है बेसिकली दो टेबल्स बन जाते हैं। यहाँ पे आपको सब टोटल ये ऐसे ही रहेगा। मैं जैसे ही अभी इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा ये सिर्फ स्क्रॉल डाउन होगा, सिर्फ ये स्क्रॉल डाउन होगा और ये अपना सब टोटल यहाँ पे पड़ा रहेगा। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे दो टेबल क्रिएट हो जाते हैं। आप जैसे ही नीचे देखेंगे तो नीचे भी यहाँ पे देखिए टेबल है। तो मुझे क्या करना है, जो नेक्स्ट टेबल है उसको सब टोटल तक लाके रोक देना है, उसके बाद इसको हमें ऊपर नीचे करना है। अभी आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करूँगा तो सब टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 55 कर दिया, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है 69 चेंज हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा, आप वो स्मार्टली यूज़ कर पाएंगे आपके एक्सेल को। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। तो और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।